Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान किया तो एक ही शिकायत रही कि चुनाव को काफी लंबा खींच दिया गया है। यह आजकल के चुनाव में ही होता है, जब 6-7 चरण में इन्हें खींच दिया जाता है। कभी भारत में 2-3 चरणों में पूरा लोकसभा चुनाव निपट जाया करता था। साल 1991 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तब 3 चरणों में ही पूरे देश में चुनाव करवा लिए गए थे। पहले चरण का चुनाव ठीक तरीके से हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की राजनीति ही बदल दी। बाकी 2 चरणों के चुनाव को टाल दिया गया था। ये कहानी उस चुनाव की है जिसके प्रचार के दौरान राजीव गांधी की मौत हो गई थी। ये कहानी साल 1991 में श्री पेरम्बदूर लोकसभा चुनाव सीट की है। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्सों में आज बात साल 1991 के लोकसभा चुनाव की करेंगे, जब चुनाव प्रचार करते हुए राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। जो रैली रद्द होने ही वाली थी, फिर भी राजीव गांधी वहां गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। 1991 में देश में 3 चरणों में चुनाव हुए। 20 मई को पहला चरण था। ये वो दौर था जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, देश में राम मंदिर आंदोलन का दौर चल रहा था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। राजीव गांधी विशाखापट्टनम में प्रचार प्रसार कर रहे थे। यहां से उन्हें तमिलनाडु जाना था। मद्रास होते हुए वो श्री पेरम्बदूर जाने वाले थे, जहां कांग्रेस की सीनियर लीडर मरागाथम चंद्रशेखर इलेक्शन लड़ रही थी। तय ये हुआ था कि वो छोटे कस्बे वाले इलाकों में जाएंगे। जब विशाखापट्टनम से उड़ान भरने की बारी आई तो मालूम पड़ा कि हवाई जहाज में कोई दिक्कत है, तो राजीव गांधी गेस्ट हाउस जाने लगे। लेकिन फिर तुरंत ही दिक्कत भी ठीक हो गई। बाद में मद्रास जाने की तैयारी शुरू हुई। तय समय के अनुसार राजीव गांधी मरागाथम चंद्रशेखर के लिए प्रचार करने के लिए श्री पेरम्बदूर पहुंच गए। देर रात को ये रैली हो रही थी, जहां पर काफी भीड़ थी। ये लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। मरागाथम चंद्रशेखर पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुकी थी। यही वजह थी कि इस रैली में काफी ज्यादा भीड़ थी। राजीव गांधी गाड़ी से उतरे और उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग खड़े हो गए। माला पहनाई गई, नारे लग रहे थे और स्टेज पर एक गाना गाया जा रहा था कि राजीव का जीवन हमारा जीवन है, अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं तो वो क्या जीवन है। ये वक्त करीब रात के 10 या 10:15 बजे का था। राजीव गांधी महिला समर्थकों से मिल रहे थे, तभी 30 साल की एक महिला हाथ में हार लिए हुए आगे बढ़ रही थी। उसने माला राजीव को पहनाई, जैसे ही पैर छूने लगी तो धमाका हो गया। ये धमाका इतना ताकतवर था कि स्टेज के आसपास धुआं धुआं हो गया, मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। लोग राजीव गांधी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। श्री पेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के 3 चोटी के नेता जी के मूपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकल कर सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों पर गिरा हुआ था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता भी वहां अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने कुछ इशारा किया और कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कह नहीं पाए। इतने में जीके मूपनार राजीव को तलाशते हुए पहुंचे। मूपनार ने राजीव गांधी का सिर उठाना चाहा, लेकिन हाथ में सिर्फ मांस के लोथड़े और खून ही आया, जिसे उन्होंने तौलिए से ढक दिया। 21 मई 1991 की रात को करीब 10:30 बजे राजीव गांधी ने आखिरी सांस ली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान यह हादसा हुआ था। एक दिन पहले ही पहले चरण का मतदान हुआ था। इसके करीब 15 दिन के लिए बाद में चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया गया था। आगे के चरणों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया था। श्री पेरम्बदूर की सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। यह आखिरी बार था जब इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। उसके बाद न सिर्फ ये सीट बल्कि पूरे राज्य में कांग्रेस का पतन ही हुआ था। इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े रहिए।